हेलो फ्रेंड। तो यहाँ पे जो है न्यूक्लियर फील्ड कॉम्प्लेक्स के तरफ से डिप्लोमा, आईटीआई और अदर ग्रेजुएशन वालों के लिए जो है यहाँ पे रिक्वायरमेंट निकली हुई है। जैसा कि यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं तो एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे जो है यहाँ पे मेंशन किया गया है। और जैसे अगर आप आते हैं थोड़ा सा ऊपर के साइड, नीचे साइड, तो यहाँ पे 39 करके यहाँ पे पोस्ट जो है डिप्लोमा वालों के लिए दिया गया है, प्लस कुछ ग्रेजुएशन यहाँ पे भी पोस्ट यहाँ पे दिया गया है। इलेक्ट्रिकल वाले के लिए जो यहाँ पे सीट है वो आपका 7 सीट है, इसमें जो है आपका डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मांगा गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए भी यहाँ पे कुछ ना कुछ सीटें दी गई हैं। दूसरा जो पोस्ट है स्टाइपेंड ट्रेनिंग कैटेगरी का पोस्ट है, यहाँ पे भी जो है आपका हाई स्कूल होना चाहिए, प्लस कुछ और यहाँ पे जो है रिक्वायरमेंट आपका दिया गया है, जिसमें यहाँ पे जो है फिटर वाले जो है इलेक्ट्रिकल वाले, मैकेनिक, वेल्डर, ये सब जो है अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई वाले भी जो कैंडिडेट है इसको अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 184 करके यहाँ पे जो है आपका सीट दिया गया है। एज लिमिट आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, अप्लाई का लिंक भी मैं नीचे दे दिया हूँ, वहाँ से जाके आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो है केमिकल वालों के लिए 5 सीट है, और बीएससी केमिकल केमिस्ट्री यहाँ पे मांगा गया है बीएससी, जिसमें 1 सीट है। फॉर्म इसका स्टार्ट हो चुका है, तो जिनका भी प्रिपरेशन अच्छा हो फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे जो है आईटीआई वालों के लिए भी यहाँ पे कुछ और पोस्टें निकली हुई हैं, टोटल 6 पोस्ट है, तो इसको भी देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे एज का रिक्वायरमेंट आपका दिया गया है मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम जो है 24 ईयर्स यहाँ पर दिया गया है स्टाइपेंड ट्रेनिंग कैटेगरी 1 के लिए। बाकी स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 के लिए जो है 22 ईयर्स हैं। बाकी जो है वर्क असिस्टेंस और अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए यहाँ पे मैक्सिमम जो है 27 दिया गया है। तो पूरा डिटेल्स जो है आपका दिया गया है कितना क्या चीज़ें हैं। लास्ट डेट जो है आपका 10 जनवरी 2020 रखा गया है। तो फिलहाल मैं इसका अप्लाई का लिंक जो है आपको नीचे दे रहा हूँ, ताकि वहाँ से जो है आप इजीली जो भी कैंडिडेट का अगर प्रिपरेशन अच्छा है तो आप जितना भी कम सीटें भी हों तो आप उसको अप्लाई ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, अप्लाई का लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ और ईज़िली आप वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हैं।